हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल और दाल के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमने 100 ग्राम पानी वाला नारियल लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। उसका ऊपर का छिलका हमने ब्लैक जो पार्ट होता है, काला पार्ट, उसको हटा करके कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम धुली उड़द की दाल, 50 ग्राम तुअर की दाल, अरहर की दाल, 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल, एक कटोरी डोसे का बैटर लिया है जिससे हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, 100 ग्राम चीनी, एक चम्मच घी, दो अखरोट, 12 बादाम, दो हरी छोटी वाली इलायची। सबसे पहले इस दाल को हम भून लेंगे, पैन में डाल देंगे सभी दालों को और धीमी गैस पर इन्हें 2 से 3 मिनट भून लेंगे। दालें भुन चुकी हैं, जब दालें भुन जाती हैं तो उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, उसमें से अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इसे हम जार में डाल देंगे और ये चीनी डाल देंगे और इन्हें हम बारीक पीस लेंगे। चीनी और दालों को हमने पीस लिया है, इसे बर्तन में निकाल लेंगे और ये जो नारियल, अखरोट और बादाम है, इन्हें भी हमने भून लिया है 2 मिनट धीमी गैस पर। इन्हें भी जार में डालकर दरदरा, इन्हें ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा पीसना है इन्हें। और ये इलायची से छिलका मैंने अलग कर लिया है, इलायची को भी इसके साथ ही पीस लेंगे। इसे हमने पीस लिया है और मोटा ही पीसा है, ज्यादा बारीक नहीं पीसा है। इसको ये दाल और चीनी जो पिसी हुई है इसमें डाल देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ये बैटर थोड़ा सूखा है तो हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, 1 चम्मच या 2 चम्मच जरूरत के हिसाब से। इसमें आप 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं अगर ये ज्यादा सूखा हो रहा है। और 2 चम्मच घी डाला है हमने और 2 चम्मच पानी डाल लिया है, थोड़ा सा गीला करना है इसको ताकि इसके लड्डू अच्छे से बन जाए। अभी हम इसके लड्डू बना लेते हैं। सभी लड्डुओं को इसी तरह से बना बना के रख लेंगे। सभी को हमने बना लिया है और ये डोसे का बैटर है। अगर आपके पास डोसे का बैटर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, इसको पानी से घोल लें और उसको 1 घंटा रख दें तो उसमें खमीर उठ जाएगा। और इसे हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से लड्डू को। और ये मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गर्म है, इसे हम धीमी गैस पर ही तलेंगे सभी लड्डुओं को, तरह से डिप करके और डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी डालेंगे ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए लड्डू के ऊपर। सभी लड्डुओं को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। दोनों तरफ से हमने इन्हें बना लिया है, ये बन चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। सभी लड्डू बन करके तैयार। अब खाने का तरीका इनका ये है, इन्हें एक प्लेट में रखेंगे इस तरह से। और ये घी लिया है मैंने, इसमें इस तरह से होल करना होता है इस तरह से, और थोड़ा सा घी जितना आप खाना पसंद करते हैं इसमें डालें और इन्हें गरम गरम सर्व करें। नारियल और दाल के लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।